पिताजी पिताजी मुन्ना कह रहा है कि आदमी ये शर्ट नहीं पहनेगा। पिताजी ये शर्ट पुरानी हो चुकी है। ओह देखो बेटे, जिद नहीं करते, तुम आज ये शर्ट पहन लो, कल मैं दूसरी ला कर दूंगा। जाओ 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 चल। अरे आ गई। मैं कौन हूँ अंकल? मैं कौन हूँ? तू मेरी बेटी राम प्यारी। अंकल आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं ही हूँ? अरे बेटे तुम रोज अंकल की आंखें बंद करती हो ना, और ये पूछियो कि बताओ अंकल मैं कौन हूँ, इसलिए पकड़ जाती हो। लो बेटे जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो गया। जाओ जाओ जाओ। चलो मुन्ना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। देखो दिलीप, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी सारी गलत हरकतें करना बंद कर दो, तुम्हारी आयाशी के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुनिए, बेचारा इतने दिनों बाद आया है, दे दीजिए ना कुछ पैसे, आखिर आपका छोटा भाई है। भाई है, इसीलिए तो धक्के मार कर घर से बाहर नहीं निकाला। दिलीप डार्लिंग, तुम कब तक इस तरह जिंदगी बिताते रहोगे? वो दिन दूर नहीं आनी डार्लिंग, जब मेरे भाई की सारी जायदाद मेरी होगी। तुम क्या समझती हो कि मैं जिंदगी भर अपने भाई के रहमो करम पे पलता रहूंगा? ये तो मैं कई महीनों से सुनती आ रही हूँ। क्या तुम भी तो सोचो, एक जवान खूबसूरत बिन ब्याही औरत किसी गैर मर्द के साथ रहती है तो उसमें उसकी इतनी बदनामी होती है। न जाने कब तुम्हारा भाई मरेगा और कब तुम उसके प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे। तुम घबराओ नहीं हनी डार्लिंग, बहुत जल्द तुम्हारा ये खादिम दिलीप सिन्हा अपने भाई कैलाश सिन्हा की सोने की लंका का अकेला मालिक बनेगा। क्या हो गया इसको? मेरे मालिक को मार। कमल बाबू की जय। 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 कैलाश बाबू आप महान है, सचमुच बहुत महान है। एक मामूली ड्राइवर को इतनी बड़ी मिल का मैनेजर बनाकर आप ये क्या भूल कर रहे हैं? तुमने मेरे और मेरे खानदान के लिए जो कुछ भी किया है कमल, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। चलिए, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। कमल जी। हाँ साहब। About turn. क्यों रे शरारती, अपने डैडी के मैनेजर होते ही हमारे घर आना जाना भूल गया है? इस माधव चाचा को याद भी नहीं करता? माधव तुम हमें कैसे याद नहीं रहोगे? नमस्ते मैनेजर साहब। मैं देख माधव, मैं मैनेजर औरों के लिए हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त हूँ, दोस्त और दोस्त ही रहूंगा। बोल मुझे दोस्त, दोस्त बोल ना। दोस्त। दोस्त है हमारा। अरे हाँ, ये तुम्हारी बिटिया राम प्यारी के लिए कपड़े लाया, दे दे उसे। चुप। और बेटे ये तुम्हारे लिए, पहन लो। जाओ आदो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, आराम से बात करते हैं। ठीक है। बेटे, अरे वाह, ये निशान बेटे जिसके शरीर पे होता है ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है, बड़ा पैसा होता है उसके पास।
नमस्ते सेठ जी। अरे कमल राय तुम? हाँ। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ। मालिक कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने थे इसलिए चला आया। अरे भाई तो तुमने क्यों तकलीफ की, किसी और को भेज दिया होता? मालिक ये अपने मिल के इम्पोर्टेंट पेपर है इसलिए किसी पर भरोसा रखना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वेरी गुड, लो। ये लो। अच्छा चलता हूं। कमल तुम बिना बैसाखी के? बैसाखी तो एक बहाना था तुम्हारी दया और विश्वास जीतने के लिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि बिना पढ़े किसी कागज पर साइन नहीं करना चाहिए, यानी कि हस्ताक्षर। सिन्हा ये फाइल तुम्हारा वसीयत नामा है जिसके मुताबिक तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जायदाद का अकेला वारिस ये कमल राय है। और मरना तो तुम सबको अभी है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बेटे मालिक, जल्दी चलो मकिन, जल्दी चलो, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, जल्दी चलिए। मुबारक हो कमल। अरे तुम्हें भी मुबारक हो सिन्हा, मैंने तुम्हारे भाई भाभी को बच्चों समेत खत्म कर दिया, अब उनके करोड़ों के जायदाद के हम दोनों मालिक बन गए हैं। करोड़ों की जायदाद के मालिक हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं मालिक बना हूँ। लेकिन वसीयत में तो हम दोनों का नाम है। बेवकूफ, ये वो वसीयत नामा नहीं है जिसपे तुम्हारा नाम लिखा था। मैं तुम्हारी आंखों धूल झोंक कर वसीयत नामा बदल और अब इस वसीयत नामे का सिर्फ मैं मालिक हूं मैं। तुमने मुझे धोखा दिया है सिन्हा। कमल राय, आदमी जो बोता है वही काटता है। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने मेरे खानदान को खत्म कर दिया और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। अरे डार्लिंग स्वीटहार्ट, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश, बहुत खुश। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये वक्त चिल्लाने का नहीं, ये वक्त नाचने गाने का है, खुशियां मनाने का, याहू जश्न मनाने का है। तुम नहीं जानते आज मैंने अपने भाई, अपनी प्यारी प्यारी भाभी और उनके बच्चों को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया और अब मैं अपने भाई की सारी जायदाद, उसकी गाड़ी, बंगले, फैक्ट्रीज और उसकी सारी मिलों का अकेला मालिक बन गया हूं, अकेला मालिक। हंसो हंसो और जोर से हंसो। सिन्हा, अगर किसी ने मुझे ये कहा ना कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है तो मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन किसी ने यह कहा कि तुम सुधर गए हो तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। तुम्हारे भाई को मारकर उसकी सोने की लंका के हम दोनों मालिक बनने वाले थे और मुझे मारकर तुम उस लंका पर अकेले राज करना चाहते थे, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था। हाँ सिन्हा, जबकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान हो, तो क्या मैं तुम्हारी रिवॉल्वर में असली गोलियां रहने देता?
इसे कहते हैं कमल का कमाल। सीना तुम बहुत मूर्ख हो मूर्ख, लगता है तुमने रामायण ठीक से पढ़ी नहीं है। सीता को पाने के लिए रावण को साधु का रूप धारण करना पड़ा था और तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे हनी के साथ मिलकर ये रूप धारण करना पड़ा। कमीनी, गद्दार! ए, गाली मत दे इसे। ये न कमीनी है न गद्दार है, ये तो मेरी वफादार धर्म पत्नी माला है, माला। इस कमल की माला। तुम्हारी हर चाल जानने के लिए मैंने ही इसे तुम्हारी रखेल बनाकर तुम्हारे साथ रखा। इस फाइल को देखकर तुम बहुत खुश हो रहे थे ना? लेकिन इस फाइल में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखी है, तुम्हारे नाम नहीं। नहीं सिन्हा, सारी दुनिया जानती है कि तुम एक आवारा बदचलन और कमीने इंसान हो और मैं एक नेक शरीफ ड्राइवर था, अब मैनेजर हूँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हारे भाई का कत्ल मैंने किया है। दुनिया तुम पर शक करेगी, तुम पर कमीने। और बात अकार, एक बात याद रख, तू जिंदगी भर अपनी औलाद के लिए तड़पता रहेगा, लेकिन तेरा बेटा तुझे नहीं मिलेगा। ए, ए, नहीं मिलेगा। कहाँ है? नहीं मिलेगा। बेटा कहाँ है? तेरे बेटे को कहाँ? अरे, चुप, चुप, चुप रखा है। हे भगवान, ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा जहां मैंने तेरे सामने माथा नहीं टेका, गरीबों को खाना नहीं खिलाया, कपड़े नहीं बांटे। लेकिन भगवान, अभी तक तूने मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस नहीं किया। तेरा बेटा, मेरा बेटा वापस दे दो भगवान, मेरा बेटा वापस दे दो। ब्रदर इन लॉ, गरीबों को खाना खिलाना है, सब इंतजार कर रहे हैं, आइए। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर न जाने भगवान मुझे किस जुर्म की सजा दे रहा है और क्यों दे रहा है। खा रहे हैं? छी छी, फेंक दे इसे, इससे तुझे सर्दी हो जाएगी। बेटे ये नहीं खाते, तुझे भूख लगी है? हाँ भूख लगी है तुझे, ये ले, देख ये मैं खिलाती हूँ। हाँ ले ले, मुँह खोल। हाँ ए बुढ़िया, ये क्या गंदा खाना खिला रही है मेरे बेटे को? नहीं नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। ये तेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है, चल हट। ये मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं। हे भगवान, तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? अरे माँ, मैं यहाँ हूँ। कब से पुकार रही हूँ, खाना भी खाएगा या यूं ही गाड़ियों से सर खपाता रहेगा? अरे माँ, काम में भूखे एहसास ही नहीं रहता। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम भी तो किया कर बेटे। अरे नहीं पिताजी, ये तो आप लोगों के आराम करने के दिन है और मेरे काम करने के दिन। वैसे आप लोग बिला वजह यहाँ खाना लाने की तकलीफ करते हैं। क्या करें बेटे, काम की धुन में तूने तो घर पे खाना छोड़ दिया, अब तेरे बगैर खाना ये हमें अच्छा नहीं लगता। चल चल, खाना खाते हैं। ठीक है, मैं हाथ धो कर आया। हाँ जल्दी आ। मैंने धो लिए, मैंने हाथ धो लिए, जल्दी से टिफिन खोलिए माँ जी, बहुत भूख लगी है। मैं टिफिन लाना ही भूल गया। एक ही टिफिन लाए हो? अरे केवल लाल। आई डज नॉट लाइक इट यार, केवल लाल नहीं, से ओनली रेड। ओनली रेड? अभी क्यों इंग्लिश की टांग तोड़ रहा है? आई के साथ डस नहीं,
डू लगता है। अरे डस में जो फोर्स है वो डू में कहाँ है, डू टू। माँ जी जरा जल्दी से डब्बा खोलिए। हाँ, हाँ। पर बेटे रोहित कहाँ है? अरे माँ, रोहित तो आजकल करोड़पति बनने के चक्कर में पड़ा होगा किसी साधु के चरणों में। आयुष्मान भव। उठो बेटा, बेटा इस भगवान के दूध से कहो तुम्हें कष्ट क्या है। बाबा, भगवान ने मुझे शकल सूरत से, चाल ढाल से, बातचीत करने की स्टाइल से करोड़पति बनाकर भेजा है, लेकिन लेकिन माल देना भूल गया। आई एम टोटली कड़काराम बाबा, सच। जरा मेरा हाथ पढ़कर देखिए कि कब भगवान मुझे दौलत देगा, कब मेरी कड़की दूर करेगा। राम 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 राम। हम ये क्या देख रहे हैं? मेरा हाथ देख रहे हैं बाबा। बेटा, भगवान ने तुझे इस दुनिया में बड़े विचित्र रूप में भेजा है। तू अपने भाग्य का बंद ताला लिए मारा मारा फिर रहा है, और उस बंद ताले की चाबी किसी लड़की के हाथ में है। क्या कह रहे हो बाबा? बच्चा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे हाथ की रेखा कह रही है। अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। करोड़पति बनने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बाबा। कल्याण हो, वाह क्या लगन है करोड़पति बनने की। बेटा, काम बहुत आसान है। तुमने एक लड़की को पटाना है, उसके गले में वरमाला पहनाना है, दुल्हन बना के घर लाना है और हनीमून मनाना है। आप ही मालेगांव की राजकुमारी हैं? जी। सॉरी, दरअसल राजकुमारी को मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन फोन पर हमारी बात हुई थी कि हम इसी जगह मिलेंगे। उनकी करोड़ों की जायदाद मैं खरीदने वाला हूं, करोड़ों की। सच? बाय द वे, आई एम द रोहित पटेल फ्रॉम द लंदन। ओह, लंदन? आप आ, आ, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बात बताइए। हाँ? गेटवे ऑफ इंडिया दिखने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आपसे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। यस। आपके लिए जापान से मिस्टर काबा काबा का फोन आया है। उनसे कह देना कि मेरा मैनेजर उनसे बात कर लेगा। और सुनो, फ्रांस से मिस्टर मिस्टर मोहित का फोन आएगा, उनसे कह देना कि मैं लंदन निकल चुका हूँ। एंड नाउ डोंट डिस्टर्ब बिकॉज़ आई एम बिजी, यू मे गो। यस। ओफ, दिन रात पैसा पैसा पैसा, मैं तो तंग आ चुका हूँ। बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस छोटी सी उम्र में मैंने इतने पैसे कमाए हैं कि खैर, आपके पापा क्या करते हैं? जी पापा के बहुत से मिले हैं, फैक्ट्रीज हैं, होटल है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है। पापा ज्यादातर रशिया में ही रहते हैं, मगर मुझे इंडिया बहुत पसंद है। यहाँ मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ। आप क्या सोचने लगे? हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि हम आपके शहर में मेहमान हैं और इस शहर से अनजान भी हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप हमें बम्बई की सैर कराएंगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर कराएंगे। लेकिन हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे जाओ, जितना दोगे उतना कम है, ज्यादा दोगे तो हम है। वाह, इस बात पे दम है। वाह, क्या माल पाया है गुरु, भाड़े का कोट भी आया है। जब ये तुझ पर चढ़ जाएगी कन्या खुश हो जाएगी। Thank you.
बुलबुल को दिल के पिंजरे में बंद किया। तेरे प्यार की बुलबुल को दिल के पिंजरे में बंद किया। तेरे प्यार की बुलबुल को दिल के पिंजरे में बंद किया। मैंने तुझे पसंद किया, मैंने तुझे पसंद किया। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बन के बंजारा फिरता था। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बन के बंजारा फिरता था। तेरी तलाश में जाने मन में मारा मारा फिरता था। तेरी तलाश में जाने मन में मारा मारा फिरता था। देखा जैसे ही तुझको, देखा जैसे ही तुझको, अपनी किस्मत को बुलंद किया। मैंने तुझे पसंद किया, मैंने तुझे पसंद किया, मैंने तुझे पसंद किया, मैंने तुझे पसंद किया। मैंने तुझे पसंद किया, 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 मैंने तुझे पसंद किया। मोहित कौन है? जी मैं ही मोहित हूँ, बोलिए क्या बात है? ओह, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। जिस कार को आप छू लेते हैं उसकी खराबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी आपके पास लेकर आई हूँ। क्या खराबी है गाड़ी में? ये तो मैं नहीं जानती, चलते चलते झटके मरने लगती है और अचानक बंद हो जाती है। ठीक है, मैं इसकी ट्रायल लेता हूँ। आप ऐसा कीजिए, दो दिन बाद आकर गाड़ी ले जाइए। ओके। You bloody bastards! तुम क्या समझते हो कि मैं सिंगापुर से हिंदुस्तान में पिटने के लिए आया हूँ? मुझे लूटना चाहते हो? सबकी ब्रेक लगा दूंगा मैं। काम 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 ठहरो ठहरो, क्या हुआ? खूब पकड़ अच्छी तुम सबको।
खुद को सुरमा कहते हैं? अरे एक आदमी को मारने का लायक नहीं स्थल है। रिलैक्स रिलैक्स नॉटी रिलैक्स। क्या रिलैक्स जिया जी, मिनी का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। हम उसे लाखों रुपए एडवांस ले चुके हैं और अभी तक माल नहीं दिया। समझ में नहीं आता कि उसको क्या जवाब देंगे। सर, मिस्टर विनी आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए कैसे हो? अच्छा हूँ, लेकिन जब भी सिर से बम्बई आता हूँ दुखी हो जाता हूँ। क्यों? ब्रेक लग जाती है। अच्छा, आपने जितना पैसा कहा मैंने भेजा, लेकिन अभी तक आपने कपड़ों की डिलीवरी नहीं की। अरे नहीं, कुछ रुकावटें आ रही थी इसलिए माल पहुँचाने में देर हो गई। डोंट वरी, जल्दी माल पहुँचा दिया जाए। ये तो पिछली बार भी आपने कहा था। अच्छा विनी, मैंने तो सुना था कुछ गुंडों ने तुम पर कातिलाना हमला कर दिया था। क्या कह रहे हो? जी हाँ, लेकिन ब्रेक नहीं लगी। अच्छा, अगर वो गुंडे कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उनसे हाथ मिलाकर बोलूं, ए भाई साहब शुक्रिया। शुक्रिया? जी हाँ, उन्हीं की वजह से तो मुझे एक बहुत प्यारा दोस्त मिला है जिसने मेरी जान बचाई। क्या कह रहे हो? ये मैं मिलवाता हूँ आपको उससे। कमल जी, ये वो मेरा प्यारा दोस्त। अगर ये वक्त पर ना आता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मेरी जिंदगी को ब्रेक लग जाती। अच्छा, हेलो। हेलो मोहितिया। क्या करते हो? मोटर मैकेनिक हूँ। लेकिन शक्ल सूरत से तो ऐसे नहीं लगते। सूरत पर मत जाइए साहब, सूरतें अक्सर धोखा देती है। ताजुब है, अगर आप चाहते तो उन लोगों के साथ मिलकर विनी का सारा माल हड़प कर सकते थे। हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों का माल लूटकर अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा आखिरी पैक दोस्ती के नाम। यार विनी, तेरा ये आखिरी पैक कब खत्म होगा? हर पैक बनाता और बोलता है कि मेरा आखिरी पैक है दोस्ती के नाम। तू मेरा दोस्त नहीं है। आए है। चल आखिरी जाम, आखिरी जाम भाई कह रहा है। और फिर डार्लिंग में खटमंडू गया, उसके बाद श्रीलंका कोलंबो, उसके बाद में कराची गया। अबे ओ रोमियो, रोमियो। अरे अरे देखिए मिस्टर, मेरा नाम रोमियो नहीं है, आई एम द रोहित। अबे जानता हूँ बे, आई एम द रोहित, लेकिन तू है का? एक्सक्यूज मी सर, कौन है? कौन है आप? कौन है आप? तू मुझसे कह रहा है कौन है आप? अबे शराब पी है क्या? नहीं, मुझे नहीं पहचानता। देखिए मिस्टर, आपने ज्यादा दारू पी रखी, आप घर जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस की ऐसे की तैसी। अभी इतने जूते खाने के बाद एक करोड़पति लड़की पटाई है और तू उसके ऊपर पानी फेर रहा। सुन, आज मुझे जाने दे, फिर बाद में जितने जूते मारना मार लेना। सुन, अरे कहां से आ जाते ऐसे ब्योड़े ब्योड़े फाइव स्टार होटल में दारू पीने? अबे जाता यहां से वरना एक खींच के दूंगा। क्या बोला बे तू? क्या बोला? आप जाइए ना यहां से। जाइए चली डार्लिंग। डार्लिंग रोमू डार्लिंग, हमारी इंडिया की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल लोगों की शक्लें भी एक दूसरे से मिलने जुलने लगी है। अब देखो ना, उस ब्योड़े ने मुझे कोई गैरेज वाला समझ रखा था, तुमने तो नहीं समझा। थैंक गॉड तुम वो नहीं हो, वरना मैं दीदी को क्या जवाब देती। ओह डार्लिंग, बड़े जोरों की भूख लगी है, चलो आज तुम्हारी रूम में जाके खाना खाते हैं। ओह श्योर, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। वो तो है। मेरा रूम कोड है। अरे वेयर इज माय रूम यार? ब्रेक लगी। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, आई एम स्टेइंग इन महाराजा स्वीट एंड यू नो आई कम फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर? सो व्हाट, मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ। क्या रात का खाना आप मेरे साथ खाएंगे? शट अप। मेरा रूम किधर है? वेयर इज माय रूम? अरे ये तो खुला है, अंदर कोई है क्या? खाइए खाइए, बाप का माल है ना, आप भी खा। ए मिस्टर, किसी के रूम में आने से पहले इतनी भी तमीज नहीं है कि दरवाजे पर नॉक किया जाता है। किसी के अपने रूम में आने से पहले नॉक करना पड़ता है? ये किधर का कानून है?
देखिए भाई साहब, आप लोग यहाँ से चले जाइए वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ। देखो आपने बहुत शराब पी रखी है, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ, वरना पुलिस को मुझे बुलाना पड़ेगा। पुलिस, वॉचमैन, अरे कोई एक मिनट एक मिनट, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती होगी, हो गलत रूम में आ गया हूँ। आप पुलिस को मत बुलाइए, मेरी चाबी उधर, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। आप लोग एंजॉय, इतना खाना खाइए बिलिन का बाप। बस बहुत हो गया, गई इसकी नौकरी गई। मतलब कौन है ये? He is my manager. बड़े बोल बोल रहा हूँ, 25,000 रुपए तनख्वाह देता हूँ इसको, लेकिन कभी कभी इसकी बदतमीजी देखकर सोचता हूँ इसे काम से निकाल ही दूँ, लेकिन क्या करूँ, उसके छोटे छोटे प्यारे 12 बच्चों को देखकर मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन ये शराबी सुधरने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये तो मेरी गाड़ी है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और मेरी कार में क्या कर रहे हैं? तुम्हारी कार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये कार मेरे बॉयफ्रेंड मिस्टर रोहित पटेल की है जो लंदन में रहते हैं। शट अप, कौन है वो इडियट? खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड को इडियट कहा तो। अरे ये क्या कर रही है आप, मेरी गाड़ी का दरवाजा टूट जाएगा। आईला, ये मेरा बॉयफ्रेंड की कार है, मैं इसका दरवाजा तोड़ी, ग्लास तोड़ी, नहीं तो लाइट पर तोड़ी। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मुझे इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये गाड़ी मेरी है। रोमू डार्लिंग, रोहित देखो ना, ये मैडम कहती है ये कार उनकी है। ओह वेल, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये गाड़ी मेरी है। दिस कार इज माइन। व्हाट? दिस कार इज माइन, ये गाड़ी मेरी है और ये गाड़ी गैरेज में बनने के लिए दी थी। ओह वेल, तो फिर उसी गैरेज में जाके अपनी गाड़ी ढूंढिएगा, हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रही है। जाइए। रोमू डार्लिंग, जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लो, मुझे एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट याद आ गया, खाओ खाओ। आइए आइए, क्या आपकी इस गाड़ी में भी कोई खराबी आ गई है? जी नहीं, जी ये गाड़ी मेरी नहीं है, इसकी मालकिन तो आप ही हैं, मैं तो एक मामूली मैकेनिक हूँ। नहीं, आप मैकेनिक कैसे हो सकते हैं? आप तो लंदन के रहने वाले हैं, इस गाड़ी के मालिक हैं। शर्म नहीं आती ऐसे झूठ बोलते हुए? क्या इस गैरेज में कसम से ऐसे सुलूक किया जाता है? हाँ, मैंने गाड़ी बनने के लिए दी थी, लड़कियों को घुमाने के लिए नहीं। तुम लोग चीटर हो, धोखेबाज हो, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, हथकड़ियां लगवा दूंगी तुम लोगों को। हाँ हमें माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव अस। तुम? जी हाँ, हम हैं। आगे एक हसीना, आगे आगे एक हसीना, पीछे दो दीवाने। आगे आगे एक हसीना, पीछे दो दीवाने, मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से, मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से, कहना न माने। आगे आगे एक हसीना, पीछे दो दीवाने, मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से, कहना न माने। मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से, कहना न माने। Thank you.
नहीं करूंगी। तिरछी तिरछी आँखें सी गोरे गोरे काले, पतली पतली कमर पे बिखरे लंबे काले बाल। तिरछी तिरछी आँखें सी गोरे गोरे काले, पतली पतली कमर पे बिखरे लंबे काले बाल। इस धरती पे कहीं ना होगा, इस धरती पे कहीं ना होगा ऐसा हसीन जमाल। देख इसको हो जाता है हाल अपना बेहाल, हम दोनों की बेचैनी को हम दोनों की बेचैनी को दीवानी ना जाने। मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से कहना न माने, मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से कहना न माने। यो गुंडे मवाली कहीं गए? हम हैं इसके चाहने वाले, समझे हमें मवाली। देखो तो मगरूर है कितनी लड़की पैसे वाली। हम हैं इसके चाहने वाले, समझे हमें मवाली। देखो तो मगरूर है कितनी लड़की पैसे वाली। कांटों से लिपटी है, कांटों से लिपटी है नाजुक ये फूलों की डाली। देती है हम दीवानों को बात बात में गाली। चेहरा देखे लेकिन पगली, चेहरा देखे लेकिन पगली, दिल को ना पहचाने। मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से कहना ना माने, मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से कहना ना माने। आगे आगे एक हसीना पीछे दो दीवाने। मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से कहना ना माने, मुड़ मुड़ के देखे गुस्से से कहना ना माने। नहीं नहीं कमल राय, मैं किसी भी कीमत पर अपनी मिल को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? धमकी देते हो मुझे? मैं धमकी नहीं देता, करके दिखाता हूँ। मैं अपनी मिल उसे कभी नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। हेलो, कब तक जानवरों की तरह मेरे आदमियों से मार खाते रहोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस मिल में दाखिल होने की कोशिश मत करो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस मिल की मालकिन और मेरे बीच में झगड़ा शुरू हुआ है इस मिल के बारे में? आज मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, आज के बाद किसी ने इस मिल में काम करने की कोशिश की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा, समझे? रीमा देवी आई है। वाह कमल राय वाह, गरीब मजदूरों को मारकर तूने अच्छी मर्दानगी दिखाई है, और इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। लो
ये चूड़ी पहन। छी 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 छी, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर कौन कहेगा कि तुम एक कपड़े के मिल की मालकिन हो? और वैसे भी कंगन और चूड़ियों की बातें करना एक विधवा को शोभा नहीं देता रीमा देवी। तुम एक मिल ओनर हो, आओ बैठो डिस्कस करो, हम तुम्हारे मिल का सौदा तय कर देते हैं। वरना तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मिल को हथियाने के मेरे पास और भी हथियार है। मैं यहाँ अपने पति के खून पसीने से खड़ी की गई मिल का सौदा करने नहीं आई हूँ। मेरे पति को मारकर अपने रुपए की ताकत से तुमने उस केस को तो दबा ही दिया, मगर मैं तुम्हारे जुल्मों के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी। मैं तुम्हारी हर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, समझे मिस्टर कमल राय? तुम्हारे हर ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी, समझे मिस्टर कमल राय? अपनी पोजीशन की जिस ऊंचाई पर मैं खड़ा हूँ वहाँ मुझे तुम्हारी ये गीदड़ भपकियाँ सुनाई नहीं देती, इसलिए शांत हो जाओ। जब तक तुम्हें तुम्हारे जुल्मों की सजा नहीं मिलती मैं शांत नहीं हो सकती कमल राय। खामोश, बहुत देर से तुम्हारी पटर पटर सुन रहा हूँ। औरत हो इसलिए चुप हूँ, तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो उसकी जुबान काट देता। इस बैग में मिल के पेपर रखे हुए है, कल तक साइन करवा के ले आओ। अपने इस गुरूर के शीश महल में बैठकर इतना मत इतराओ, तुम्हारे इस गुरूर के शीश महल को मैं एक दिन चकना चूर कर दूंगी। मेरे कांटे में फंसी हुई मछली हो तुम रीमा देवी, कितने भी हाथ पैर मार लो बचने का कोई चांस नहीं। रीमा जी, मेरा नाम रोहित है और मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कहिए। देखिए रीमा जी, जिस घर में मैंने अपनी आंखें खोली उस घर की दीवारें सोने की हैं और छत चांदी की। हाय राम, बेटे तू ये क्या कह रहा है? तू जिस घर में रहता है उसकी छत और दीवारें सोने चांदी की नहीं, मिट्टी गारे की हैं। ओफो मौसी, डिस्टर्ब कर दिया ना, मैं रिहर्सल कर रहा था, रिहर्सल अपनी होने वाली पत्नी रोमू की दीदी को पटाने के लिए। नमस्ते रीमा देवी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आपकी तारीफ? मुझे रोहित कहते, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। मैं ही रोहित हूँ। आप सिर्फ अपना नाम ही बताते रहेंगे या और कुछ कहेंगे भी? आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं, आपको मेरी तरफ से कोई मायूसी नहीं होगी। ये भरोसा मायूसी मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, आप क्या चाहते हैं और आप कौन हैं? जी मैं रोहित हूँ। जी मैं जानती हूँ कि आप रोहित हैं, मगर आप यहाँ किस लिए आए हैं? अब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं... आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं... आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। ऐसा ना कहिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या बकते हो, होश में तो हो? मैं पूरे होश में हूँ, बस आप हाँ कह दीजिए। मुझसे शादी की बात कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो आती है, बहुत आती है, लेकिन आपसे शादी की बात ना करूं तो किससे करूं? आखिर रोमू आप ही की तो छोटी बहन है। रोमू? कौन रोमू? अरे आपकी छोटी सी प्यारी सी फूलों से भी नाजुक बहन रोमू। और कौन? मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और अगर आपने शादी से इनकार कर दिया तो रोमू की कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। तो आप राम प्यारी की बात कर रहे हैं? अरे राम प्यारी हो या रोमू, की फर्क पैंदा यार हो? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी रोमू करोड़पति है, इस बंगले की मालकिन है, और मुझे क्या चाहिए? देखिए, ना तो वो करोड़पति है और ना ही इस बंगले की मालकिन है और ना ही मेरी बहन है, वो तो इस घर की नौकरानी है। राम प्यारी, Thank you.
अबे क्या हुआ, तेरी रोमू की दीदी ने शादी से इनकार कर दिया? वो तो मान गई थी। तो फिर तेरी रोमू ने इनकार कर दिया? नहीं, वो भी राजी थी। तो फिर रो क्यों रहा है? मोहित भैया मैं बर्बाद हो गया। वो कैसे? रोमू करोड़पति नहीं है, रीमा रोमू की बहन नहीं है, और यहाँ तक रोमू रोमू नहीं है, वो तो रीमा के घर में बर्तन मांजने वाली थर्ड ग्रेड मामूली नौकरानी राम प्यारी है। तो तू कौन सा राजकुमार है? देख प्यारे, अगर तेरी किस्मत में पैसा लिखा होगा तो तुझे कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, इस दुनिया में सच्चा प्यार मिल जाए वही सबसे बड़ी दौलत है, समझो? आया मौसम, ओ आया मौसम सनम प्यार करने का, आया मौसम सनम प्यार करने का। मुझे सीना है तेरी बाहों में, मुझे जीना है। ये पल है कुछ कर गुजरने का, आया मौसम, ओ आया मौसम सनम प्यार करने का, आया मौसम सनम प्यार करने का। चाहत
पे ना कोई जोर है। टूटेगी बंध के अब कभी ना, सदियों पुरानी ये डोर है। तेरी आँखों में मुझे खोने दे, जो भी होता है अभी होने दे। सनम प्यार करने का आया मौसम, सनम प्यार करने का। जीने का मरने का, जीने का मरने का आया मौसम सनम प्यार करने का, आया मौसम सनम प्यार करने का। मोहित, हाँ, जिंदगी में कई लोगों से मिलने और बिछड़ने का इत्तेफाक हुआ, कभी ब्रेक नहीं लगी, लेकिन आज पहली बार मेरे दोस्त, नहीं तू मेरा दोस्त नहीं, तू तो मेरा भाई है, अपने भाई से दूर जाने का एहसास हो रहा है। अरे सिंगापुर आज के जमाने में कौन सा दूर है, जब जी चाहेगा मिलने चले आएंगे। अच्छा और एक जोक सुनाती हूँ। अरे तेजल जी, तेजल जी नमस्ते, आजकल आप हमारे गैरेज में क्यों नहीं आती? हाँ गाड़ी खराब होगी तो आऊंगी ना। अरे कमाल है, आपकी गाड़ी खराब क्यों नहीं होती तेजल जी? अच्छा होता उस दिन आप हमें पुलिस के हवाले कर देती, हम दोनों को सजा हो जाती, आपकी गुस्से की आग तो बुझ जाती। मैं बहुत दुखी हूँ तेजल जी, आपने हमें माफ नहीं किया। नहीं किया उस दिन, नहीं किया तब कर देती हूँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है। अरे थैंक यू। एक बात कहूँ तेजल जी, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं। वैसे मैं भी बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वो क्या कि रोहित के बहकावे में आकर उस दिन आपसे बदतमीजी कर बैठा, वो उल्लू का पट्टा है, वो बहुत खराब आदमी है। आप जानती हैं जब भी गैरेज में नई गाड़ी आती है वो उसमें लड़कियों को घुमाने ले जाता घुमाने। देखिए आप घर जाइए, आपने बहुत पी ली है। क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं? अरे मैं पीता नहीं हूँ, जानती है आज क्यों पी है? क्यों पी है आज? आप मेरे गैरेज में नहीं आते, आपने मुझे माफ नहीं किया। मैं कल ही आपके गैरेज में आ जाती हूँ, आप जाइए। आएंगी ना? आप जाइए ना। थैंक यू। मेरी बॉल है। अरे मुन्ना तू कहाँ चला गया था, इतनी कड़कती धूप में क्यों खेल रहा है, बीमार हो जाएगा। चल चल घर चलते हैं। अरे मुन्ना, अरे मुन्ना सुन, अरे मुन्ना 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 रुक तो। नॉटी ये बुढ़िया तो मर गई। Don't bother baby, let's go. अरे गाड़ी वाले ने मार दिया, पकड़ो पकड़ो होमी से। ओह मिस्टर मैकेनिक, बड़े बदतमीज हो तुम, ये तुम्हारा गैरेज नहीं है जहाँ तुम टूटी फूटी खराब गाड़ियों को ठीक करते हो। मैं खराब गाड़ियों के साथ साथ खराब दिमाग रखने वालों को भी ठीक करना जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ ताकि ये जान सकूं कि तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया। एक गरीब औरत को अपनी कार के नीचे कुचल कर आगे बढ़ जाना तुम्हारे अंधे और बहरेपन दोनों का सबूत है। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम उस भिखारन की बात कर रहे हो? हाँ अच्छा, ये बताओ वो तुम्हारी लगती क्या है? इंसानियत के नाते वो मेरी मां लगती है, और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। ये हैं उसकी दवाइयों के बिल जो तुम्हें चुकाने हैं। अच्छा देखो मिस्टर सोशल वर्कर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लोग मुझे नॉटी कहकर पुकारते हैं। नॉटी मीन शरारती, और गाड़ी चलाते समय ऐसी छोटी मोटी शरारतें मुझसे हो जाया करती, तो क्या मैं सबको पैसे बांटता फिरूं? एक बात ध्यान से सुनो, उस बुढ़िया की औकात मेरी नजरों में रास्ते पर पड़े हुए कचरे के बराबर है।
Now get out. Out! सुनो अमीर ज़ादे, तुम ये बिल पैसों के साथ मुझे दोगे, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, वरना Hold it. Parkin, I think you'll do. Parkin, my aapka purana naukar, dayalu. हाँ मालकिन, सुन ले मालकिन, मेरी मेरी बात सुन ले, आगे खोल दे मालकिन, आगे खोल दो, मैं विनती करता हूँ, आगे खोल दो मालकिन, आगे खोल दो मालकिन, मेरी विनती सुन लो मालकिन, खोल दो आगे मालकिन, खोल दो आगे। पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटे, मैं कह रहा हूँ पिताजी, कौन है ये औरत? आप रो क्यों रहे हैं? बताइए ना पिताजी, कौन है ये औरत? आपका इससे क्या रिश्ता है? क्या बताऊं बेटे, कुछ समझ में नहीं आता। विधाता भी कैसी कैसी तकदीरें लिख देता है। पहलों में रहने वाली ये औरत आज तक दर की ठोकरें खा रही। आप पहले क्यों बुझा रहे हैं? आप बताते क्यों नहीं कि इस औरत से आपका क्या रिश्ता है? कौन है ये औरत? ये तेरी मां है बेटे। बेटे, हमारे पास तो तुम सिर्फ मां जी की अमानत थे, जिसे हमने लाड प्यार से अपनी औलाद की तरह पाला। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मां की यह हालत की किसने? बताता हूं बेटे, बताता हूं, सब कुछ बता देता हूं। वक्त के थपेड़ों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन दिया। सिर्फ किसी तरह भगवान ने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। माँ, तेरे एक एक जख्म, एक एक आंसू, एक एक जुल्म का बदला लूंगा। माँ, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। मोहित, ए मोहित। अरे ओ साहब, हैं? ये हॉर्न की तरह पाएं पाएं क्यों कर रहा है? मोहित जा चुका है, सारे मैकेनिक छुट्टी पे, और मैं भी जा रहा हूँ श्री देवी की पिक्चर देखने। अपनी गाड़ी कर लेके आना, बाय। ए मैकेनिक की औलाद, श्री देवी को बाद में देखना, पहले ये बता कि वो हरामजादा मोहित का है, मुझे उसकी चिता जलानी। उसने एक भिखारिन के लिए नौटी पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। जुबान पर ब्रेक लगा, मेरे दोस्त की चिता जलाने वाले की मैं रेडिएटर फाड़ के हाथ में दूंगा। मेरे सामने हिजड़ी की तरह बाल संवरता है रंडूला कहीं का, मारो साले को, और उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये मोहित का पता नहीं बताता। ठहरो बेटे, बेटे ये तावीज। अरे
बेटे ये तावीज तुम्हारे पास कैसे आ गई? बचपन से ये तावीज मेरे गले में, माँ बाप से बिछड़ने के बाद बस यही एक उनकी निशानी रह गई। बेटे फिर तुम्हारे पेट पर एक काला निशान भी होगा। हाँ? लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? अरे अपने औलाद के बारे में बाप क्या नहीं जानता। औलाद? हाँ बेटे, मैं ही तेरा पिता हूँ, तेरा खोया हुआ पिता। परसों से मिन्नतें की तुझे पाने के लिए, लेकिन आज भगवान ने भी सुन ली है। बेटे आ बेटे, गले लग जा। पिताजी। बेटे मोहित, मोहित यार, मोहित, मोहित, अरे मोहित, मोहित तू कहाँ है मेरे यार? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। भगवान ने एक साथ जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सब कुछ इस कड़के की झोली में भर दिया। मैं करोड़पति बन गया, मैं करोड़पति बन गया। अरे ये तू क्या कह रहा है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ हाँ मैं पागल हो गया, मैं सचमुच खुशी से पागल हो गया हूँ। आज किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई, उसने मेरे बचपन से बिछड़े हुए माँ बाप को मुझसे मिला दिया, और अब ये तेरा कड़का दोस्त इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति, फैक्ट्रीपति, ऑफिसपति, बंगलापति, करोड़पति कमल राय का बेटा है। तू कमल राय का बेटा है? हाँ, मिस्टर कमल राय की सारी प्रॉपर्टी का एक लौता वारिस मिस्टर रोहित राय। क्यों है ना खुशी के बाद? नहीं, ये बड़े दुख की बात है कि तू एक जलील इंसान का बेटा है। मोहित, माँ बाप का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, उसे गाली मत दे। मैं तेरे बाप को गाली तो क्या, वक्त पड़ने पर गोली भी मार सकता हूँ, क्योंकि तेरे बाप ने मेरे सर से मेरे पिता का साया छीन लिया, मेरी बहन की जान ले ली, मेरी माँ को जिंदा। झूठा इल्जाम है मेरे बाप पर, ये सच है। और आज जिस दौलत को पाकर तू घमंड कर रहा है, उस दौलत का असली वारिस मैं हूँ। एक दिन इन हाथों से तेरे दरिंदे बाप को मारकर अपने खानदान की बर्बादी का बदला लूंगा। तो फिर तू भी ये सुन ले, मेरे बाप की तरफ उठने वाले हर हाथ को मैं तोड़ के रख दूंगा, चाहे वो तेरे ही हाथ क्यों ना हो। वाह, जिन हाथों में हाथ रखकर दोस्ती का दम भरता था, आज एक कमीने के लिए उन्हीं हाथों को तोड़ देने की बात करता है? और क्यों ना करे, तेरी रगों में भी उस जलील कमीने कुत्ते का गंदा खून बह रहा है। भगवान तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज मेरी बरसों की मनोकामना तूने पूरी कर दी है। मेरी जायदाद को संभालने वाला और मेरे बुढ़ापे का सहारा आज तूने मुझे दे दिया। हे भगवान, आज मैं बहुत खुश हूं। नाम लेना तो छीन लो उससे वो खुशियां जो उसने तुम्हारी मां से छीनी है, छीन लो उससे वो खुशियां जो उसने तुमसे छीनी है, छीन लो उससे वो जायदाद जिसके वारिस तुम हो। रोमो, रोमो, रोमो कहाँ हो तुम? रोमो, 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 रोमो। मिस्टर रोहित, करोड़पति बाप का बेटा बने तुम्हें 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया, जरा भी याद नहीं आई? याद आई थी रोमो, बहुत याद आई थी। तुम्हारी याद किसी भी पल मेरे दिल से अलग नहीं हुई, लेकिन मैं अपने माँ बाप बहन के प्यार में इतना खो गया था, इतना। खैर, मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ रोमो। हाँ, और वो सुंदर घर का सपना जो हमने देखा था ना, वो सच हो गया। अब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना के ले जाने आया हूँ। रोहित, मैंने एक सुंदर घर का सपना जरूर देखा था, मगर ये नहीं चाहता कि जिस घर में मैं दुल्हन बनकर जाऊँ उस घर की दीवारों में बेगुनाह लोगों का खून शामिल हो। रोमो, जिस घर को तुम बदनाम कर रही हो वो घर मेरा है, मेरे बाप का घर है, और मेरा बाप इस शहर का सबसे रईस और इज्जतदार आदमी है।
तुम्हारा बाप कितना इज्जतदार है ये उन लोगों से जाकर पूछो जिनकी दौलत छिनकर वो इतना बड़ा बना। न जाने कितने मासूम और बेगुनाह लोगों के खून से उसके हाथ रंगे हैं। वो धोखेबाज है, मकार है, समाज के नाम पर एक बदनुमा दाग है। दादे, दादे, बर्बाद हो गया। रोहित, मैं लुट गया। क्या हो गया बेटे? बेटे क्या हो गया? शी, तूने शराब पी है? शराब? हाँ। आप शराब की बात कर रहे हो? आज मुझे जहर मिलता मैं वो भी पी जाता, क्योंकि आज जो मैंने आपके बारे में सुना है ना डैड, उसे सुन के कोई भी खुदार बेटा अपनी जान दे देता। क्या सुना है तूने मेरे बारे में? क्या सुना है? क्या बताओ, एक बात बताओ डैडी, सच बताना, आपने ये सारा घर बार जायदाद धन दौलत शौहरत क्या बेगुनाहों का खून चूस कर जमा किया? देखो सच बोलना, अभी बोलो। बेटे, दुनिया हर इज्जतदार आदमी के ऊपर इसी तरह कीचड़ उछालती है, तू उनकी बातों में मत आ बेटे, मत आ। मैं जानता था डैडी, मैं जानता था कभी मेरे डैडी ऐसे नहीं हो सकते। अरे ठीक खड़ा हो जा। मैं उस लड़की को कैसे समझाऊं जो दुनिया की बातों में आकर मुझसे शादी करने से इनकार कर गई? इनकार कर गई? कौन है वो लड़की? अप्सरा है। अप्सरा है, लेकिन गरीब है। गरीब है, किसी के घर में काम करने वाली नौकरानी है। नौकरानी? जी गधा। बेटे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक नौकरानी से प्यार करते हो और तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो दूसरों के बहकावे में आकर तुम्हारे माँ बाप के बारे में भला बुरा कहती है? ये हरगिज नहीं हो सकता। हम खानदानी लोग हैं बेटे, वो इस घर की बहू नहीं बन सकती, ये नामुमकिन है। नामुमकिन है डैडे? नामुमकिन है? नामुमकिन है, शराबी कहेगा, जा निकल जा। तो फिर संभालिए अपना घर, मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। रोहित घर छोड़कर जा रहे हो? हाँ। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे, इसका पता है तुम्हें? और मैं रोमू के बिना कैसे जीऊंगा, इसका पता है तुम्हें? जी जी, मैं राम प्यारी से बहुत प्यार करता हूँ, अगर मेरी शादी उसके साथ नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा। डैडी, डैडी, रोहित ने जिंदगी में दुख और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं देखा, आज उसे किसी का प्यार नसीब हुआ है, तू उसे छीनिए मत डैडी, रोहित ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डैडी प्लीज, प्लीज डैडी। नमस्ते माधव। अरे हंसो तो है? भाई तुम आने के लिए कहो या ना कहो, मैं तो जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा घर मेरा ही घर है। ये नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारे घर चलकर क्यों आया? कमल रॉय, मैं तुम्हारी नस नस से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अरे तुम उन अमीरों में से हो जो अपने मतलब और रुपयों की खातिर एक गधे को भी बाप बना लेते हैं, और आज तुम अपना गुरूर से भरा हुआ सर झुकाए मेरे पास सिर्फ इसलिए आए हो चूंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। नहीं 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 माधव, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करने आया। देखो माधव, एक बाप के सीने पर सबसे बड़ा बोझ उसकी बिन ब्याही जवान बेटी होती है, मैं वो बोझ हल्का करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि राम प्यारी मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर की शोभा बढ़ाए, और अपनी बरसों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। रिश्तेदारी तुम्हारी सिर्फ रुपयों से है कमल, और वैसे भी रिश्तेदारी और दोस्ती का लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम आज भी मेरे दोस्त बनकर आए हो तो इसके पीछे भी तुम्हारा मतलब है, और वो मतलब है तुम्हारा बेटा जो मेरी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी से शादी करना ही उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ है। लेकिन याद रखना कमल रॉय, मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। माधव,
माधव अगर तू इतना समझदार है तो हाँ क्यों नहीं करता? देख देख इस बाप को देख, उसकी मजबूरी को देख। अगर तूने इस शादी से इनकार कर दिया तो मेरा रोहित मर जाएगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। बरसों बाद भगवान ने मेरी सुनी है, मेरे लाल की जिंदगी तेरी बेटी है माधव, उसे जिंदगी दे दे प्लीज, उसे जिंदगी दे दे। पिताजी बेटी बेटी मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, अपने तेजल से भी ज्यादा प्यार करूंगा तुझसे। क्या तू रोहित को नहीं चाहती? हाँ कह दे बेटी, वरना वरना रोहित मर जाएगा, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, उस पर रहम कर बेटी। तेरे तेरे पुंज पिताजी से कह दे कि तू शादी के लिए तैयार है, प्लीज बेटी प्लीज प्लीज। थैंक यू बेटी, थैंक यू। अरे मुबारक हो माधव, मुबारक हो। देख क्या रहे हो, बिटिया रानी ने हाँ कह दिया है, शादी की तैयारी करो। गले लग जाओ मेरे समधी, गले लग जा यार। बेटे सच बताओ, तेरे आ जाने से मेरी जिंदगी के सारे अंधेरे दूर, अब तुझसे ये घर रोशन होगा तुझसे। ए बेटी मेरा हर चाहने वाला पार्टी में आना चाहिए, किसी को कार्ड देना मत भूलिएगा। थैंक यू थैंक यू। गॉन गॉन गॉन। अरे कम ऑन। गुड मॉर्निंग माय डियर सिस्टर, आज जो मैं इस घर में देख रहा हूँ मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। वह गया तेजल के पास तो वो उसके पास टाइम ही नहीं, इनविटेशन कार्ड पे कार्ड लिखती चली जा रही है, और आपके पास यहाँ आए तो आपके पास भी टाइम नहीं। अपने सफेद बालों को काला करने में लगी हुई आप। तुम भी कुछ काम कर लो। अरे दीदी मैंने जो काम किया आप क्या जानेगी, सारा अरेंजमेंट तो मेरा है। आज रोहित रॉय की शादी की पार्टी है, तुम दोनों को क्या करना मालूम है ना? यस सर। कमल साहब बहू कब आएगी, पार्टी कब शुरू होगी? अरे बस अब आती होगी। तो जाने मन बच गई, मन पी, 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 तू निपी।
मौका तुमको मिलेगा कहाँ, सीने से लगा लो मुझे मेरी जान, क्या पत्थर हुआ हो गई छुट्टी मैंने पी तूने पी तूने पी मैंने पी, हल्का हल्का सा नशा हमको आता है मजा, रामजादो हमारे खानदान की इज्जत से खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम में से वो कौन है जिसने शरबत में नशीली दवा मिलाई? मुझे एक मिनट में जवाब चाहिए वरना एक एक की खाल खींच लूंगा, समझे? शिवाजी नमस्ते, कैसी हैं आप? बड़े फक्र के साथ कह सकती हूँ कि इज्जत से जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं भी बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरी नजर में किसी विधवा का माल हड़प कर जाना बहुत बड़ा पाप है। पाप और पुण्य की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, काम की बात करो। काम की बात ठीक है। रीमा जी ये मील आप मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। हाँ? मेरी जगह अगर दूसरा कोई होता ना तो कब का ये मिल हड़प कर गया होता। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बहुत ही शरीफ और इज्जतदार इंसान हूँ। तुम कितने इज्जतदार हो ये तो तुम्हारी बहू शराब पीकर भरी महफिल में नाच गाकर बता चुकी है। खामोश, जानती हो किससे बात कर रही हो? जानती हूँ, मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रही हूँ जो अपना जमीर नंगा करके कपड़े की मिल मुफ्त में लेना चाहता है। अब तक तो बात खरीदने की चल रही थी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस मिल से हाथ धोना पड़ेगा। अगर ये तुम्हारे बस में होता तो ये काम तुम कब का कर चुके होते। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। तुम कितने ताकतवर हो इसका अंदाजा मुझसे ज्यादा और कौन लगा सकता है।
तुम एक बुजदिल नीच और घटिया इंसान हो। एक मर्द जब औरत पे हाथ उठाता है तो बेइज्जती औरत की नहीं होती, मगर जब एक औरत मर्द पे हाथ उठाती है तो बेइज्जती मर्द की जरूर होती है। तुम कैसे जानते हो कि कमल राय मेरी मिल हथियाना चाहता है? मैं जानता हूँ रीमा जी, सब कुछ जानता हूँ। आप पिछले 2 सालों से अपनी मिल शुरू करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कमल राय आपके इरादों को कामयाब नहीं होने दे रहा। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पति की हत्या कमल राय ने की है, जिसका आप और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अगर आप मेरा साथ दें तो मैं कमल राय के इरादों को कुछ कर सकता हूँ। कमल राय से तुम्हारी क्या दुश्मनी है ये मैं नहीं जानना चाहती, मगर ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। मैं आपकी मदद नहीं, खुद की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि कमल राय की बर्बादी ही मेरी माँ के दिल के एक घाव का इलाज है। अब मेरे जीने का मकसद सिर्फ कमल राय का खात्मा है। जब हम दोनों का मकसद कमल की बर्बादी है तो मेरी हाँ समझो। आप तो कह रहे थे कि क्रिकेट खेलने जा रहे हैं इन टकलों के साथ, ये तो हमारी हड्डियों का सुरमा बना देंगे बॉस। केवल लाल, आई डस नॉट लाइक इट यार। केवल लाल नहीं, ओनली रेड, ओनली रेड, ओनली रेड। यस सर। अगर तू इन टकलों से डर गया तो वनडे कैसे खेलेगा? तू फास्ट बॉलर है, ओपनिंग बैट्समैन है, टॉप क्लास फील्डर है, विकेट कीपर है, क्या नहीं है? लेकिन गुरु, सामने पैटरसन, थॉमसन और लिली है, इनके सामने तो हमारे इंडियन क्रिकेटरों की भी हालत खराब हो जाती, तो हम किस खेल की मूली है गुरु? ए, तू अंपायर भी है, हर बॉल को नो बॉल दे देना। क्या बात है गुरु, हो जा शुरू। चौंतीस सेंचुरी बनाने के बाद सुनील गावस्कर ने ये बैट मुझे इसलिए दिया था कि आप जैसे शैतान किसी भी मजदूर को फैक्ट्री में जाने से न रोक सके। ओ, तो तुम फैक्ट्री का ताला खुलवाने आए हो? सिर्फ ताला खुलवाने के लिए नहीं, फैक्ट्री की साफ सफाई करवाने के लिए भी, तुम्हारे टकलू की तरह। I does not like it. आपको कैसा लगा? ट्रेनिंग की शुरुआत टकले के साथ, मोहित साहब की लात, मोहित साहब का हाथ, टकले का दांत और टकले की मात। और ये क्या देख रहे हैं, टकले के सर पे एक और बॉल निकल आया है। मोहित साहब का कमाल, टकले का बुरा हाल, उछड़के की खाल, और ये दूसरे टकले का बॉल, और वही कमाल, और ये बचाओ बॉल, बचाओ बचाओ बॉल। एक मिनट कैप्टन साहब, मुझे भी खेलने का मौका दीजिए। ओके, मारो मारो। सारे खिलाड़ियों ने मोहित साहब को घेर लिया है, मोहित साहब का वही कमाल जारी है। अरे 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 टकलू, अपने नहीं तो अपने बच्चों का तो ख्याल कर। अबे क्या बोला भाइयों, आज से आपको मिल में काम करने से कोई नहीं रोकेगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपकी हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूँ। आप लोग जाकर अपना काम कीजिए, जाइए जाइए जाइए। लीजिए बहन जी, आपकी मिल शुरू हो गई। मेरी नहीं, हमारी मिल। अब आप इस बहन का साथ छोड़कर नहीं जा सकते। हेलो मिस्टर कमल राय। ओ रीमा देवी। कमल राय, तुम्हें यह सुनकर बहुत दुख होगा कि मेरी मिल जो तुम्हारी वजह से बंद पड़ी थी आज खुल चुकी है, और अब तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खटखटा रही है। बर्बादी और मेरी? रीमा देवी, पानी के बुलबुले कभी जहाज को नहीं डुबो सकते, ये सपने देखना छोड़ दो। क्या बात है डैडी? रोहित बेटे, कौन हो सकता है वो जिसने रीमा देवी की मिल के बंद दरवाजे खोलने की जुर्रत की? ये जुर्रत मैंने की है, और अभी तो ये शुरुआत है। तेरे बाप की बुनियादों को खोखला कर। मेरे बाप की बुनियाद जिन कांधों पर खड़ी हुई है वो कांधे मेरे हैं, और उन्हें हिलाने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। जा घर जा, इस वक्त तेरे बाप के जख्मों को मरहम की जरूरत है, उसे कांधा देने का वक्त नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द वो भी आ जाएगा।
तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं कसम खाता हूं मैं हर वो काम करूंगा जिससे मां की खोई हुई खुशियां वापस आ जाए। हिम्मत से काम लो दोस्त, हिम्मत से। अगर तुम हिम्मत हार गए तो इस लक्ष्मण का क्या होगा जिसने राम के साथ मिलकर उस राक्षस की लंका को बर्बाद और तबाह करने का प्रण लिया था। मिस्टर कमल। अरे विनी, सिंगापुर से कब लौटे? बैठो बैठो। मैं यहां पर बैठने नहीं, ब्रेक लगाने आया हूं। मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूं। मतलब ये कि मैं तुम्हारी मिल के तैयार माल का सबसे बड़ा खरीदार था। तुमने जितनी रकम मांगी मैंने भिजवा दी। उसके बावजूद तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे नकली माल भिजवा दिया। नहीं, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अरे मैं तुम्हारी तरह सच में झूठ नहीं मिलाता हूँ, क्योंकि सच बोलना मेरा धर्म है। आज मेरा तुम्हारा कारोबारी रिश्ता खत्म। मैंने तुम्हारा 1 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। नहीं नहीं, देखो विनी, देखो, सारा माल तैयार है, सिर्फ शिप में चढ़ाने की देर है। मैंने जो फैसला सुना दिया, क्योंकि अब मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। अच्छा, तुम मेरा इतना बड़ा नुकसान करना चाहते हो? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि बम्बई में ऐसा कौन सा मिल मालिक है जो तुम्हें कपड़ा सप्लाई कर सकता है। मिस्टर कमल, बम्बई तुम्हारा एक बाप पैदा हो गया है, उसका नाम है मोहित। आपने लाखों रुपए का ऑर्डर कमल भाई को न देकर हमारी कंपनी को दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हमारी कंपनी या हमारे माल से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आइए तशरीफ रखिए। मोहित, तेजल, तेजल, तुमने शराब क्यों पी है? शराब क्यों पी है? इसलिए कि मुझसे नाराज हो। अच्छा होता कि उस दिन तुमको पुलिस के हवाले कर देती तो कम से कम हमारी दोस्ती ना होती, जिसने मेरे रातों की नींद और दिन का चैन सब छीन लिया। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? देखो तेजल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं रहना चाहिए। जाओ घर जाओ। नहीं, जाओ। मोहित, अब क्या है? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? अरे बाबा, मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जाओ घर जाओ, घर जाओ। बाय। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे नाराज। अरे क्या कर रही हो? मोहित, तो तुमने शराब नहीं पी है, मुझे बेवकूफ क्यों बना रही थी? मोहित, मुझे एक पल के लिए भी अपनी बाहों से जुदा ना करना। उस पे छोटी रेशम वाली, फिर जैसा
नहीं शबाब नहीं तेरा जवाब नहीं तेरा जवाब नहीं कुर्ता मल पल वाला कुर्ता मल पल वाला उस पे झूठा काला काला कुर्ता मल पल वाला उस पे झूठा काला काला तेरे जैसा कोई जनाब नहीं तेरा जवाब नहीं तेरा जवाब नहीं चिकने चिकने गाल पे तेरे काला काला दिल तेरे काले दिल ने चुराया इस आशिक का दिल तेरे गुलाबी होंठ से टपके हैं पान की लाली तेरी सी अदा पे मरती है तेरी दिलवाली कान में झूमे बाला कान में झूमे बाला उस पे झूमर है मतवाला तेरे जैसा कहीं शबाब नहीं तेरा जवाब नहीं तेरा जवाब नहीं मस्त जवानी उस पे बहके चाल बहक रहे हैं कदम ये मेरे मुझको जरा संभाल डाल तुम्हें बरमाला डाल तुम्हें बरमाला बन जा तू मेरा घरवाला तेरे जैसा कोई जनाब नहीं तेरा जवाब नहीं तेरा जवाब नहीं मल पल वाला उस पे झूठा काला काला तेरे जैसा कोई जनाब नहीं तेरा जवाब नहीं तेरा जवाब नहीं यह है तुम्हारी चहेती तेजल का घर कैसा लगा बहुत अपना अपना सा लगता है ऐसा लगता है जैसे मैं पहले भी आ चुका हूं शायद पिछली बार तुमने इसी घर में जन्म लिया होगा क्या सोचने लगे कुछ नहीं अच्छा तुम बैठो मैं चाय लाती हूँ ओके कमल राय तुमसे इंतकाम लेने के लिए तकदीर ने एक और रास्ता खोल दिया है डॉक्टर साहब जिंदगी भर माजी ऐसी हालत में रही अगर आप इन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएं, जहाँ इनका बहुत जज्बाती रिश्ता रहा हो सकता है इनकी दिमागी हालत में कुछ सुधार आ जाए और ये ठीक भी हो जाए एक एक करके हमारी सारी बाहर की पार्टियां हमारा ऑर्डर कैंसिल कर रही है आखिर क्यों सर रीमा देवी की मिल हमसे कम दाम पर कपड़े एक्सपोर्ट है और उनकी क्वालिटी हमसे अच्छी है यही कहना चाहते हो ना तुम यस सर वो हर बार हमसे कॉम्पीट करती है गेट आउट गेट आउट ऑल ऑफ यू गेट आउट नमस्ते नमस्ते ते
हैं आप लोग? जी मेरा नाम पी के मरे है। जी मेरा नाम जी के मरे है। पी के मरे, जी के मरे, आप दोनों भाई हैं? जी हाँ, हम लोग दिल्ली से आपके पास धंधा करने आए हैं। कैसा धंधा? जी के मरे। हाँ बोलो पी के मरे। जरा इनको समझाओ सा धंधा। हम आपके लिए 10 करोड़ का ऑर्डर लाए हैं। आई लव। और 10 लाख रुपया एडवांस लाए हैं। ये देखो। मतलब आप कस्टमर है? धन्यवाद हमारे जो हमें आपके दर्शन हुए। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन माल 15 दिन में मिल जाना चाहिए। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। उधर आपका माल मिलेगा, इधर आपको 9 करोड़ 90 लाख रुपया। क्यों जी के मरे? यस पी के मरे। थैंक यू। अरे अच्छा, नमस्ते 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 नमस्ते। दस करोड़ का ऑर्डर मिला है, अभी हमें उसका माल बनाना चाहिए। लेकिन इतना माल बनाने के लिए हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? ये लीजिए, हमने हमारी सारी प्रॉपर्टी, मतलब मिल, फर्म, जो कुछ भी है, आप लोगों के पास गिरवी रख दी है। ये लीजिए आपका रुपया। थैंक यू। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। डैडी, हमने अपनी सारी जायदाद गिरवी रख के इन लोगों से कर्जा लिया है, कहीं हम सड़क पर तो नहीं आ जाएंगे? बेटे, ये जो 10 करोड़ के ऑर्डर है ना, ये कभी किसी को मिलते हैं। जब हमें मिले हैं, तो हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। हमें करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का। Really? Really? You are great, Daddy. नमस्ते जी। अरे नमस्ते। आप इन दोनों को जानते हैं? हाँ जी हाँ। इन लोगों का हमने 10 करोड़ का ऑर्डर पूरा किया है। ये दोनों फ्रॉड है। जी हाँ। अब मुझ पर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि मेरी सात पुश्तें भी उसे उतार नहीं सकती। समझ में नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। हेलो, कमल स्पीकिंग। सर जी, आपने अपने जिस गोडाउन में गैर कानूनी तौर पर जो माल छुपा रखा है, वहाँ छापा पड़ने वाला है। हो सके तो तमाम माल को जल्दी ही किसी ठिकाने पर लगा दीजिए। नहीं लेकिन लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक। हेलो हेलो, बाप रे। नोटी, माय डियर ब्रदर इन लॉ, कहिए आपके साले साहब के लिए क्या हुक्म है? नोटी, तुम फौरन रे रोड चले जाओ और उस गोदाम को आग लगा दो जिसमें हमारा 2 नंबर का माल और उसके कागजात रखे हुए हैं। व्हाट? माय डियर ब्रदर इन लॉ, मुझे लगता है कि आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं। बेवकूफ, उस गोडाउन का हमने 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और अभी अभी फोन आया था कि वहाँ छापा पड़ने वाला है। अगर छापे में हमारे कागजात और माल पकड़े गए ना, तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी, समझे? ओह, आई सी। मान गए आपको माय डियर ब्रदर इन लॉ, मान गए। शुक्र है। यानी कि गोडाउन जल गया तो हम जेल जाने से बच जाएंगे और इंश्योरेंस के 5 करोड़ वो अपने। क्यों? हेलो, मैं कमल राय बोल रहा हूँ। मिस्टर कमल राय, मैं इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ, आपने गोडाउन के बारे में जो क्लेम फाइल किया था वो पास हो गया है। हाँ, आप बेशक आकर पैसे ले जा सकते हैं। थैंक यू मैनेजर साहब, थैंक यू। मैनेजर साहब, मेरा क्लेम मंजूर करके आपकी कंपनी ने मुझे दिवालिया होने से बचा लिया।
वो तो ठीक है मिस्टर कमल राय, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि आपने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर गोडाउन को आग लगवाई है और हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। ये झूठ है, ऐसी तस्वीरें तो कोई भी बना सकता है, मेरा इन तस्वीरों से कोई वास्ता नहीं है। कमल राय, इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश जो आपने की है उसका जवाब कोर्ट में देने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन मैनेजर साहब, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमने अपने तौर पर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन तुम मेरे सामने बहुत छोटे हो, एक मामूली चींटी के बराबर, जिसे मसलना बहुत ही आसान है। ये मत भूलिए मिस्टर कमल राय, देखने में एक मामूली सी चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन एक बहुत बड़े हाथी की मौत का सबब बन जाती है। जाइए जाइए, आपके कर्जदार आपका इंतजार कर रहे होंगे। जाइए। मामूली सा मैकेनिक, आखिर आप हमें कब रुपया लौटाएंगे? इंतजार की भी कोई हद होती है? कोई मुफ्त में माल नहीं देता है, आप लोगों की खातिर हमें अपना धंधा चौपड़ नहीं करना है। देखिए आप इत्मीनान रखिए, मेरे जीजा जी ने आपको कह दिया है कि आपको आपका रुपया मिल जाएगा, आप क्यों घबरा रहे? अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, अपने जीजा जी से कहिए, चोरी करे डाका डाले कुछ भी करे, हमें अपना पैसा चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, जुबान संभालिए अपनी। मेरे डैडी इतने गए गुजरे नहीं है कि आप लोगों के पैसे ना लौटा सके। अरे बिजनेस के दुनिया में उनका नाम है, रेपुटेशन है, हैसियत है। मेरे डैडी उन दो कोड़ी के बिजनेसमैनों की तरह नहीं है जो फ्रॉड करके दूसरों के पैसे हजम कर जाते हैं, समझे? अरे हमारी मिलों से करोड़ों रुपया कमाया है आप लोगों ने, और आज थोड़ा नुकसान क्या हो गया तो हम पर से भरोसा उठ गया आप लोगों का। आप लोगों को अपना पैसा मिल जाएगा, अब जाइए यहाँ से, और तभी आना जब हम आपको यहाँ बुलाएंगे, समझे? अब जाइए। मिस्टर रोहित, हम आपसे अपना रुपया लेने आए हैं भीख नहीं। जो आप हमसे ऐसा सलूक कर रहे हैं, आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी पड़ी है, आपकी एक एक चीज बेच के आपको सड़क पर ले आएंगे। क्या कहा? जुबान खींच लूंगा तेरी, तुम सबको गोली मार दूंगा, गेट आउट। नहीं रोहित, नहीं, जाने दो इन्हें, हम इन लोगों के कर्जदार हैं। देखो मैं आप लोगों की और बातें सुनना नहीं चाहता, अब मेरी हर मिल जो कुछ भी है उसको नीलाम करके अपना रुपया ले लीजिए। मोहित साहब, ये रहे कमल राय के तमाम मिलों और उनकी जायदाद के कागजात, जिनके मुताबिक अब आप इनके मालिक हैं। थैंक यू, लेकिन हमें अफसोस है कि उनका एक बंगला और एक मिल के कागजात हम हासिल नहीं कर सकते। वो आप फिक्र मत करिए, वो मैं हासिल कर लूंगा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। आ गए आप, आज बहुत देर हो गई। हाँ। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आज मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या? खैर, बिजनेस में तो नफा नुकसान होता ही रहता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? नहीं, एक शख्स है जो मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है, और समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कौन है वो शख्स? मोहित। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये तो मैं कई बार सुन चुका हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो? यह है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बाबा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। समझ गए? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया। Ah
जाने क्या बात होती है, आँखों आँखों में जाने क्या बात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है, आँखों आँखों में जाने क्या बात होती है, आँखों आँखों में जाने क्या बात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है। ऐसी लगती है तेरी जवानी, आग से जैसे लिपटा हो पानी, कोई जादू कहीं चल रहा है, ऐसे मौसम में दिल जल रहा है, छोड़ो भी तड़पाना बाहों में ना आना, और छोड़ो भी तड़पाना बाहों में ना आना, बेदैनी बढ़ती है जब तू साथ होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है। प्यासा बादल भीगा भीगा चल, प्यासा प्यासा बादल, दिन में उजाले में रब्बा क्यों रात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है। पागल किया है मैंने तो दिल तुझे ही दिया है, बढ़ती जाती है ये बेकरारी, कैसे उतरेगी अब ये बुमारी, मुंह से लग जाना फिर न पड़े पछताना, पसीने से लग जाना फिर न पड़े पछताना, कितनी मुश्किल से अपनी मुलाकात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है, हम दोनों जब मिलते हैं बरसात होती है। चल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि आज मैं तुम्हारे डैडी मम्मी से अपनी शादी की बात करूं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी, मेरे डैडी कभी ना नहीं करेंगे। तुम्हारे डैडी ना नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई वो हमारे बीच दीवार जरूर बनेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? एक भाई अपनी बहन की खुशियों के बीच कभी दीवार नहीं बन सकता। लेकिन जो नीच हो, खुदगर्ज हो, जिसने अपना रिश्ता दौलत से जोड़ लिया हो, वो किसी का भाई नहीं हो सकता, सिर्फ ये सोचकर कि कहीं मैं तुम्हारे डैडी की दौलत में हिस्सेदार ना बन जाऊं।
वो हरगिज हमारी शादी नहीं होने देगा। दीदी दीदी, जिस आदमी ने हमारे पिताजी को हर तरह से बर्बाद कर दिया, उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, करोड़ों का कर्जदार बना दिया, जो हमारे खानदान के जड़ों को खोदने पर तुला हुआ है, क्या तुम समझती हो वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मोहित तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। हमारी हर चीज तबाह करने के बाद अब उसकी नजर हमारे खानदान की बची हुई इज्जत पर है, जिसे वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर भरे बाजार में नीलाम करना चाहता है। मोहित क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आइंदा ख्याल है। दीदी, मोहित मेरा पुराना दोस्त था, उससे ज्यादा खुदगर्ज, मतलबी और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम उसे प्यार की नजरों से देखती हो, इसलिए तुम्हें उसमें प्यार के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। और तुम्हारे दिल में उसके लिए जलन है, नफरत है, इसलिए तुम्हें उसमें बुराई के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। डर तो ये है कि वो मुझसे शादी करके हमारे बाप के दौलत का हिस्सेदार बन जाएगा। तो तुम हो जो दौलत के लिए अपने बहन के ऊपर आग लगाना चाहते हो। मोहित, मोहित, आइए आइए मेरे होने वाले साले साहब, क्या शादी से पहले ही अपनी बहन को विधवा बनाना चाहते हैं? रामजादे, मेरी भोली भाली बहन को और गुमराह करने के लिए अब तू जिंदा नहीं रहेगा। मोहित, रोहित, क्या हुआ? रो मुझे चलो। कमीने, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। चल ना, कहाँ है? हाँ? नहीं। रोमू, रोमू, नहीं नहीं रोमू, नहीं। तुझे कुछ होगा रोमू, नहीं, रोमू, नहीं, रोमू। मोहन, विनी, मोहन, विनी। मोहित, मेरे दोस्त, ब्रेक, ब्रेक विनी लग गए। नहीं विनी, रोहित, ए रोहित, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? डैड, डैड मेरी रोमू, डैड मेरे हाथों विनी का खून हो गया। हाँ? और मोहित ने मेरी रोमू को मार डाला। डैड मेरी रोमू मर गई, मेरी रोमू मर गई। अरे मर गई तो मार गोली, नौकरानी तो थी, जिंदगी साल ही तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां मिल जाएगी। पुलिस आने से पहले निकल चल यहाँ से। नहीं, चल चल, मेरी रोमू, चल चल। जिसने तेरी जान ली है मैं उसे फांसी पर लटका कर ही रहूंगा। क्या बात कर रहे हो वकील साहब, फांसी और कमल राय के बेटे को ये नामुमकिन है। कुछ भी करो, कानून के मुंह पर दौलत का ताला लगाओ, लेकिन मेरे बेटे को बचाओ। हाँ वकील साहब, एक माँ अपना आंचल फैलाए आपसे ममता की भीख मांगती है, कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरा बेटा बच सकता है। आपके में सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? कौन? और वो है मोहित। नाम मत लो उस कमीने का, मुझे उससे अपनी जिंदगी की भीख नहीं चाहिए। पिताजी चढ़ जाने दो मुझे फांसी के तख्ते पर, लेकिन मैं उस जलील का ऐसा नहीं लूंगा। बेटे वक्त आने पर अकलमंद आदमी गधे को भी अपना बाप बना लेता है, समझे? पहले तुम फांसी के फंदे से बच जाओ, दुश्मनी तो चलती ही रहेगी। हाँ वकील साहब, बताइए कि मोहित के जरिए हम अपने बेटे को कैसे बचा सकते हैं? जो होना था सो हो गया। दरअसल अपने आप को बचाना बहुत जरूरी हो गया था। जी। सबसे पहले, अरे मोहित बेटे, कैसे हो भाई? आजकल तो तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, काफी दिनों के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए ये कानूनी कार्रवाई रहने दो और हम दोनों को कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ दो। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, बाद में मिलेंगे। ठीक है, मैं बाद में आता। ओके,
देखो बेटे, ये बड़ी दुख भरी बात है कि तुम्हारे हाथों मेरे बेटे की जान से भी ज्यादा प्यारी पत्नी का कत्ल हुआ है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये मत सोचना कि मैं तुम पर केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कोई पर्सनल किलर तो हो नहीं, ना ही मेरी बहू के जानी दुश्मन हो। गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। साफ साफ यही कहने आया हूँ कि मेरे रोहित को बचा लो, बरसों की जुदाई के बाद वो मुझे मिला है। अगर उसे देखो, देखो रोहित की माँ की तरफ देखो, क्या हालत बना रखी है इसने अपने बेटे के लिए। बोलो कुछ बोलो। बेटे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ममता पर तरस खाओ। अरे मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, हाथ जोड़ने हैं तो भगवान के आगे जोड़ो, उससे ये प्रार्थना करो कि वो आपके बेटे को बचा ले। बेटे तुम समझते क्यों नहीं, अगर तुमने रोहित के खिलाफ कोर्ट में बयान दे दिया तो क्या भगवान वहाँ पधारेंगे रोहित को बचाने के लिए। बेटे तुम एक नेक इंसान हो, हमारे लिए तो भगवान तुम ही हो, और रोहित ने विनी को मारा, कभी विनी चीज ही क्या थी, है कि नहीं। और तुम भूल गए हमारी बेटी तुम्हें कितना चाहती है, और हम दोनों ने तो फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी करेंगे। अब इस बात को और मत उलझाओ प्लीज, तुम तो हमारे होने वाले दामाद। अरे वाह वाह वाह, जब कुछ नहीं बन पड़ा तो बेटी का सहारा भी ले लिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि हमारी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ तुमसे ही होगी, तुम्हारे जैसा शरीफ इज्जतदार और नेक इंसान कहाँ मिल पाएगा हमें। नहीं 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 नहीं, मैं शरीफ नहीं हूँ, मैं तो खूनी हूँ, मैं तो खुद अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मैं खूनी हूँ, मैंने आपकी बहू का खून किया है, साथ में ये भी कहूंगा कि रोहित ने विनी का खून किया। नहीं बेटे नहीं, अगर तुम्हें सजा हो गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, तुम और रोहित तो मेरी जायदाद के वारिस हो, अगर तुम ही नहीं रहे तो जो दौलत मैंने कमाई है उसका क्या होगा। मुझे तुम पर एतबार नहीं कि रोहित के बच जाने के बाद तुम मेरे साथ ऐसे ही सलूक करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या हो। मैं बड़ा कमीना हूँ, धोखेबाज हूँ, मक्कार हूँ, लेकिन क्या मैं अपने दामाद को धोखा दे सकता हूँ। क्या बात है, वाह बिल्कुल सही कहा आपने, आप कमीने हैं, धोखेबाज हैं, मक्कार हैं। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपने दामाद को, अपने होने वाले दामाद को धोखा नहीं देंगे। आई डस नॉट लाइक इट गुरु। करेक्ट, आप गारंटी की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट तैयार है, एग्रीमेंट वकील साहब इसके ऊपर तुम साइन कर दो कि तुम रोहित के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, और इसके ऊपर मैं साइन करता हूँ कि मेरी बहू को क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानता। कर दो साइन, इसमें सोचने क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू मोहित। मोहित अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता था, लेकिन मैं उसका बाप निकला बाप। ये सब क्या है, पुलिसिया क्या कर रही है, और तुमने ये ड्राइवर के कपड़े क्यों पहन कर रखे हैं। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब हमारी यही औकात है डैडी। क्या भगते हो कमल राय, बुजुर्गों ने ठीक ही कहा, बगैर पढ़े किसी कागज पर साइन नहीं करना चाहिए, यानी हस्ताक्षर। इस फाइल पर साइन करके तुमने अपनी सारी जायदाद, यहाँ तक के ये कपड़े भी मेरे नाम लिख दिए। क्या आ, आ, आ। अपने वकीलों से पूछकर देख लो। देखो कमल राय, अब शराफत इसी में है कि ये कपड़े उतार दो और ये वाली वर्दी पहन लो। Thank you.
चलो चलो तो। हाँ मलकिन, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ है दयालु, मेरा बेटा दयालु। मलकिन, मलकिन, आपकी आंखों का नूर आपके पास है मलकिन। मेरा बेटा, मेरे लाल, मेरा बेटा, 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 मेरा बेटा। मोहित कैलाश सिन्हा का बेटा है। क्या, मोहित कैलाश सिन्हा का बेटा है? हाँ माला, मैं समझता था कि मैंने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया, लेकिन वो मेरी भूल थी। मोहित, उसकी माँ और उनका नौकर साले न जाने कैसे बच गए। अच्छा, अब मैं समझी मोहित हमसे किस बात का बदला ले रहा था। बदला तो अब मैं लूंगा उनसे। मैं उसका और उसकी माँ का वो हाल करूंगा कि वो दोनों एडिया रगड़ रगड़ कर मेरे सामने जिंदगी की भीख मांगेंगे, और मैं उनसे सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि मेरी खोई हुई दौलत भी उनसे छीन लूंगा। आओ मोहित सिन्हा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे घर के अंदर घुसाने की हिम्मत तुमने कैसे की? मौत ना तो कभी पूछ कर आती है और ना कभी बोल कर। चूहे के छींक मारने से शेर नहीं डर जाता कमल राय? इस बात का फैसला तो अभी हो जाएगा कि हम दोनों में से शेर कौन है और चूहा कौन। इसे देख रहे हो, यह है तुम्हारे प्रॉपर्टी के कागजात, ठीक से पढ़ो, चश्मा लगाकर साइन करो और हमारी छीनी हुई प्रॉपर्टी हमें वापस दे दो। तुम बड़े बेवकूफ हो कमल राय, क्या तुम्हें उम्मीद है कि मैं इन कागजात पर दस्तखत कर दूंगा? उम्मीद? अरे उस वक्त तो मैंने तुम्हारे बाप से साइन करवाए थे, तुम तो उसके बच्चे हो। देखो इस वक्त मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता, जल्दी से साइन करो। कमल राय, यह मत भूलो कि तुम्हारी बर्बादी मेरे हाथों हुई थी। यहाँ से चले जाओ वरना। वरना क्या? तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। अच्छा, लेकिन मेरी टाई पकड़ने से पहले जरा उधर देखो, अपनी माँ की तरफ। माँ? ठहरो, आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ को जलाकर राख कर दिया जाएगा। कमीने! अब साइन करो जल्दी। ये लो, मैंने साइन कर दिया, अब छोड़ो मेरी माँ को। मोहित, कौवे को कितना भी रगड़ रगड़ कर साबुन से नहलाओ, वो कभी हंस नहीं बन सकता। मैं भी कौवे की तरह हूँ, मुझसे हंस की उम्मीद नहीं रखना। मेरा दामाद बनने चला था, तेरी बारात तो मेरे घर नहीं आ सकी। हाँ, तेरी आरती जरूर मेरे घर से शमशान चली जाएगी। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। डैडी, कमल रॉय, मैं तुझे बरसों से जानता हूँ। कमीनापन तुझे छोड़ सकता है, लेकिन तू कमीनापन को नहीं छोड़ सकता। आगे मत बढ़, इन दोनों को छोड़ दे वरना इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे। नहीं 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 नहीं, माधव माधव, तुम मेरे दोस्त हो और रोहित मेरा बेटा है, तो तुम्हारा भी तो दामाद है ना। क्या तुम अपने दामाद को मारोगे? कमल रॉय, मेरी तेरी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरी बेटी मर गई थी। सीधी तरह इनको छोड़ दे और अपने आदमियों से कहे कि फौरन हथियार फेंक दे वरना इसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। नहीं 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 माधव, नहीं, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन मेरे बेटे को मत मारो, प्लीज प्लीज। मैं अभी बोल दूँ, छोड़ दो दोनों को, हथियार डाल दो ना। कौवे जी, अब आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, क्योंकि कौवे के सर पर दौलत का ताज अच्छा नहीं लगता। केवल लाल,
माँ को लेकर अंदर चलो। चलिए माँ जी, चलिए। वाह साले साहब, वाह, बहुत अच्छे समय पर आ गए। माय डियर ब्रदर इन लॉ, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि आप एक बारूद के ढेर पर बैठे हुए। मम्मी, एक हल्की सी चिंगारी आपकी धज्जियां उड़ा सकती है, और उसी चिंगारी को बुझाने आया हूँ मैं। ये घुमा फिरा कर बात मत करो, जल्दी से बताओ क्या बात है। कूल डाउन ब्रदर इन लॉ, कूल डाउन। जरा यहाँ आइए। ए, नजर रखो ठीक से। बात यह है ब्रदर इन लॉ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी थोड़ी सी कीमत चाहिए। कीमत? सिर्फ 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए? अरे ब्रदर इन लॉ, आपकी जान के सामने 2 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं? ज्यादा सोचिए मत, जल्द से जल्द माल का बंदोबस्त कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, कहो क्या बात है जल्दी। ये रोहित आपका बेटा नहीं है बल्कि इस मोहित का दोस्त है, और ये वो है जो आपकी सोने की लंका में आग लगाना चाहता है। ज्यादा सोचिए मत ब्रदर इन लॉ साहब, कहीं आपकी बेवकूफी मेरी सिस्टर को विधवाना बना दे। फिर ये मत कहिएगा कि मैंने आपसे कहा नहीं। वाह नॉटी वाह, कमीनेपन में तो तुमने अपने जीजाजी को भी पीछे छोड़ दिया। कमल राय, तुम्हारा ये साला वो आदमी है जो जिस थाली में खाता है पैसे के लिए उसी में छेद कर देता है, और वो पैसा इसे मैं देता रहा ताकि ये तुम्हारी हर चाल की खबर मुझ तक पहुंचाता रहे, और अपने मकसद में कामयाब होने के बाद जब मैंने इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया तो इसने बाप बेटे के बीच झगड़ा करवा कर बाप के हाथों बेटे का खून करवाना चाहा था, और फिर तुम्हें पुलिस के हवाले करके सारी जायदाद खुद हड़पना चाहता है। ब्रदर इन लॉ ये झूठ बोल रहा है। जो तावीज आपके बेटे के गले में था वो बाजार में कौड़ियों के दाम मिलता है, और वो निशान जो आपके बेटे के बदन पर था वो बनाया भी तो जा सकता है। लेकिन ये तावीज ये निशान मेरे बेटे के जिस्म पर थे, इसकी खबर इसको कैसे हो सकती है? माधव ने खबर दी, अपने पुराने मालिक के बेटे को बचाने के लिए ये सारा खेल इसी ने रचा है। माधव तू मल, तू इतना बेवकूफ होगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे इसने कहा तूने मान लिया, तू भी तो एक बेटी का बाप है ना, अगर ये नकली होता तो क्या मैं अपनी बेटी इसको ब्याह देता? डैड, मैं ही आपका बेटा हूँ, आपके सोने के लिए नहीं, ये आग लगा रहा है, यही बारूद है, यही चिंगारी है, मुझे तो पहले से इस नौटी पर शक था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ये है, ये रहा गोडाउन जलाने की वीडियो कैसेट। आप इसकी बातों में ना आए, ये मुझे फंसाने के चक्कर में, मैं सच कह रहा हूं ब्रदर लॉ। आस्तीन का कमीने, तूने मेरे भाई को मार डाला, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तेरे हर पाप में तेरा साथ देती रही, मगर अब मैं पुलिस को तेरे एक एक करतूत बता दूंगी, अब तू नहीं बचेगा। कानून चाहे मुझे कोई भी सजा दे, अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। मोहित, मोहित, मेरी पूरी बर्बादी की जड़ तू है, तू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे मैं मारूंगा। इसने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद की, इसने आपकी जिंदगी बर्बाद की, इसने मेरी रोमू को मारा, मेरी माँ को मारा, नोटी को मारा, डैड इसे मैं मारूंगा। लेकिन पहले आपकी खटिया खड़ी। ये क्या कर रहे हो बेटे? मैं तुम्हारा बाप हूँ। कौन सा बेटा, किसका बाप? याद है तूने ही मुझे एक बार कहा था कि वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना चाहिए, मैंने वही किया कव्वे। हाँ तो मेरे काले बाप, दूसरों की प्रॉपर्टी पर नजर डालना है महापाप। क्यों लगे ना ब्रेक? अरे तुम दोनों तो मर गए थे ना? तुम्हारी औकात बताने के लिए हमने ये ड्रामा किया था। पूछिए पिताजी, हमारा प्लान कामयाब हो गया, मेरे दोस्त को उसकी प्रॉपर्टी मिल गई, अब आप अपना बेटा ढूंढिए। कमल राय मेरा बाप।
मेरी जिंदगी में आज पहली बार ब्रेक लगी है। मैं हूं आपका अभागा बेटा। पिताजी यकीन मानिए, मैं आप ही का बेटा। मेरी बहन, कमल राय, पानी के इस बुलबुले ने आखिर तुझ जैसे जहाज को डुबो ही दिया। जिस औरत को तूने पैर की जूती समझा था, वही औरत आज तुझ पर मौत बनकर बरसेगी। रीमा जी, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई। रीमा जी मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। रीमा जी कभी नहीं करूंगा।